स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वेक्टर के लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। सो स्पेशली इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और नल वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, हर जगह यूज होते हैं। यूनिट वेक्टर का हर जगह यूज होता है जब भी डायरेक्शन देना रहता है, तो नल वेक्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालेंगे हम लोग विथ एग्जाम्पल्स और उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। और कुल मिला के यूनिट वेक्टर का हम ट्रिक के साथ निकालेंगे, जैसा कि हम लोग जनरली यूनिट वेक्टर निकालने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक देने वाला हूं आपको कि 1 सेकंड में आप यूनिट वेक्टर देखते ही आप यूनिट वेक्टर लिख दोगे आप। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब पढ़ते हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। हेडिंग डाल दीजिए यूनिट वेक्टर और लिख लीजिए इसको। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। मतलब दुनिया में जितने भी यूनिट वेक्टर है ना, उन सबका मैग्नीट्यूड क्या है जी? 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग होगा सारे यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर को हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए, और वो है क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई वेक्टर ए है, तो इसका यूनिट वेक्टर जो है ना, ए कैप से डिनोट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए कैप, ठीक है ना। मतलब कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे? ए कैप से करेंगे। जैसे मान लो बी वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर कैसे होगा जी? बी कैप होगा। अब सबसे मेन बात यह है यहाँ पे समझना है कि ए कैप का मतलब क्या होता है। ए कैप यूनिट वेक्टर किसके लिए काम आएगा? डायरेक्शन के लिए। दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। ए कैप का मतलब क्या हुआ? तो ए कैप का मतलब एक और एकमात्र एक ही, यही समझिएगा कि ए की तरफ। ए कैप का मतलब क्या होता है जी? ए की तरफ, ए की तरफ, तरफ ए की तरफ, है ना। इंग्लिश में लिखना चाहे तो मैं लिखूंगा अलोंग ए, ठीक है ना, अलोंग ए वेक्टर कह सकते हैं। ए कैप का मतलब क्या होता है? ए की तरफ, ए वेक्टर की तरफ। ए कैप मतलब अलोंग ए, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा बी कैप, बी कैप मतलब बी की तरफ। अब हमें पता होगा बी किधर की तरफ होगा। अगर मान लो कि ए इधर की तरफ है, ए कैसे है जी? ऐसे है, ठीक है ना। ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है। कोई बोल रहा है कि 5 मीटर जाओ, तो 5 मीटर जाने का मतलब उसने बोला कि 5 मीटर ए कैप। 5 मीटर उसने क्या बोला जी? ए कैप। 5 मीटर ए कैप बोला, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? 5 मीटर आपको जाना है, ए की तरफ जाना है। तो हम क्या बोलेंगे? देखेंगे ए किधर है, तो ए इधर है ना, तो मुझे इसका मतलब इधर जाना है। ये नोटेशन है। 5 ए कैप मतलब क्या बोलेंगे? 5 मीटर ए की तरफ, ठीक है ना। जिस पे कैप लगा रहेगा उसके तरफ, जिसको टोपी पहनाया गया है उसके तरफ। जैसे मान लो कि आतंकवादी पाकिस्तान में है, ठीक है ना। अब हमें उसको उड़ाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? बॉम्ब, बॉम्ब पाकिस्तान कैप। आई बात समझ ना? बॉम्ब क्या लिखेंगे? पाकिस्तान कैप लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बॉम्ब पाकिस्तान की तरफ। आई बात समझ ना? जिस पे कैप लगा रहेगा उसके तरफ। आई बात समझ ना? ठीक है। तो देखिए यूनिट वेक्टर का कुछ कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ठीक है। जैसे मान लो हम जा रहे हैं 10 मीटर x की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा? 10 मीटर अलोंग x, 10 मीटर अलोंग x लिखेंगे, ठीक है ना। अब बात ऐसा है ना कि हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ डायरेक्शन है, ठीक है ना। क्या क्या डायरेक्शन है जी? x की तरफ, y की तरफ, z की तरफ। तो ऐसे स्टैंडर्ड डायरेक्शन के लिए हमने कुछ कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हमने बनाया, ठीक है ना। हमने बोला कि अलोंग x जो होगा ना, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, अलोंग x को हम बोलेंगे i कैप। i कैप दिया रहेगा तो क्या समझेंगे हम लोग? x की तरफ, ठीक है ना। अलोंग वाई रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? जे कैप बोलेंगे। और अलोंग जेड रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? के कैप बोलेंगे। ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो आई की तरफ मतलब एक्स की तरफ, है ना। अगर माइनस आई लिखा है इसका मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ। हमारे पास कोऑर्डिनेट कैसे हैं जी? ऐसे है ना, ये पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है, ठीक है ना। तो अगर कोई बोलता है कि आपको जाना है 5i जाना, मतलब मुझे 5 जाना है आई की तरफ, मतलब किसकी तरफ जाना है? एक्स की तरफ जाना। मान लो किसी ने लिखा कि आपको जाना है -10 मीटर जे कैप, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 मीटर
माइनस जे कैप, ठीक है ना। मतलब किधर की तरफ जाना है, 10 मीटर नेगेटिव वाई की तरफ, क्योंकि जे किसको डिनोट करता है, पॉजिटिव वाई को। मतलब आपको 10 मीटर जाना है नीचे की तरफ, आई बात समझ ना। के कैप मतलब जेड की तरफ जाना है, ठीक है ना। जिस पे कैप लगा रहेगा उसके तरफ। मैंने आपको बोला कि मान लो अगर पाकिस्तान में आतंकवादी है तो हम क्या लिखेंगे जी, बॉम्ब पाकिस्तान कैप, मतलब बॉम्ब किसके तरफ, पाकिस्तान की तरफ। आई बात समझ ना, जिस पे कैप लगाया रहेगा उसके तरफ, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, ये आपको जाना है आई कैप, जे कैप, के कैप, ओके लिख लीजिए। तो अब हम यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और वह इस तरह से दिया हुआ है, ए वेक्टर 3i प्लस 4j दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि i इधर की तरफ दिखाता है, j इधर की तरफ शो करेगा और इधर तरफ k डिनोट करेगा, ठीक है ना। i j k, ठीक है। तो कोई वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप है, मतलब x की तरफ इसका क्या है, ये इफेक्ट 3 है और y की तरफ 4 है। हालांकि इसको तो हम लोग x की तरफ क्या होता है, y की तरफ क्या होता है, जस्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर जो रिजोल्यूशन वेक्टर होगा उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जब अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। अगर आप सिर्फ यूनिट वेक्टर आए हो देखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा, आपको पता होगा कि वेक्टर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैंने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए कैप मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ए कैप को कैसे लिखा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए के मैग्नीट्यूड। मतलब आपको क्या क्या चाहिए, ए के मैग्नीट्यूड चाहिए और ए वेक्टर तो दिया हुआ, ए कैप निकल जाएगा, ठीक है ना। अब किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या हुआ, किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मान लो कोई जनरल वेक्टर मैं ले लेता हूँ, मान लो कोई वेक्टर ऐसे लिखा हो रहा था ax i प्लस ay j प्लस az k, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो हम लोग मैग्नीट्यूड इसका ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ठीक है ना। इसी लेक्चर में हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ने वाले हैं, तो पोजीशन वेक्टर में आपको और अच्छे से फील आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है और लेंथ कैसे निकलता है, ठीक है। चलो इसमें मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। तो अगर कोई वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है तो मॉड ऑफ ए क्या कहलाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या कहलाएगा जी, तो कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ के का स्क्वायर, दिस विल गिव यू व्हाट, मैग्नीट्यूड, ओके। तो हम आसानी से यहाँ पे ए कैप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए कैप क्या लिख देंगे बताइए, तो ए कैप हो जाएगा, ए कैप निकालने के लिए ए वेक्टर चाहिए और ए के मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। तो ए वेक्टर तो यहाँ पे दिया हुआ ना, आप इसका ए मैग्नीट्यूड निकालिए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलिए। तो मैंने बोला कि आई का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशियंट स्क्वायर प्लस के का कोफिशियंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई का कोफिशियंट क्या है, 3 हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें के है ही नहीं तो के 0 होगा, ओके। तो बताइए ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, रूट 25 कितना होगा, 5 होगा, बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो मेरे को ए मैग्नीट्यूड भी निकल गया और ए वेक्टर तो है ही, तो ए कैप क्या निकल जाएगा बताइए, तो ए कैप हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5, सॉरी 3i प्लस 4j बाई 5, ठीक है ना। ये ए मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया, सो ये क्या हो जाएगा जी, आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा अच्छे से, 3/5i प्लस 4/5j कैप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अगर कोई वेक्टर आई जे के कैप में दिया हुआ है तो उसका सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकालिए और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आप उसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा हम लोग को, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें ए कैप बताना है, तो ए कैप के लिए ए वेक्टर वाई ए का मैग्नीट्यूड, है ना। तो आप ए का मैग्नीट्यूड पहले निकालिए, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे बाबू, ए का मैग्नीट्यूड तो आई का कोफिशियंट का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बताना, तो ये आ गया कितना जी, 4 प्लस 9 प्लस 1, है ना। तो ये क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड रूट 14 हो गया, ठीक है। अब हम लोग ए कैप लिख सकते हैं ना, ए कैप क्या हो गया, तो 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइडेड बाई रूट 14।
सो दिस इज़ वट यूनिट वेक्टर. अब चाहो तो इसमें को इसको भी अच्छे से लिख सकते हैं आप, 2 बाई रूट 14 i + 3 बाई रूट 14 j + k बाई रूट 14. ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है i कैप j कैप में, तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. ये इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या सीखा हम लोग, तो हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखा ये वाली चीज़. ठीक है, कि अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं. ठीक है ना, और हमें मैग्नीट्यूड से क्या करना है, वेक्टर में डिवाइड करना है, दैट विल गिव यू व्हाट, यूनिट वेक्टर. ठीक है ना, अब देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा. ठीक है ना, अब देखो ये जो आया है, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. ठीक है ना, ये है तो वेक्टर ही ना, लेकिन कैप लगने मतलब क्या, ये यूनिट वेक्टर है. इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो 1 आएगा. ठीक है ना, है तो ये वेक्टर ए कैप, तो इसका चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं. मैंने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का आपको तरीका बताया कि कोफिशियंट ऑफ आई के स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे के स्क्वायर करना है हमें. ठीक है ना, तो चलिए निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड इसका. तो हमने निकाला 3/5 का स्क्वायर + 4/5 का स्क्वायर. ठीक है ना, देखो 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाए, 9/25 प्लस ये क्या होगा, 16/25 रूट. ठीक है, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 25, 9 + 16 की इतना हो गया 25. ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1. मतलब जो हमने करा समझा सब कुछ सही है. ठीक है ना, ये कितना गंदा दिख रहा है, रूट 25/25, तो हमें क्या मिल गया, 1 आ गया. मतलब ये सच में यूनिट वेक्टर है. ठीक है ना, आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है ना, सिंपल सी बात है, लिखिए इसको. तो अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल यूनिट वेक्टर. अगर कोई भी वेक्टर होगा उसका हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम इतना आसान तरीके ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं खटाक से बहुत कम टाइम में. कोई मैग्नीट्यूड निकालने कोई मतलब नहीं है. ठीक है ना, देखो आप कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, ये है यूनिट वेक्टर. अब सोचो ये यूनिट वेक्टर है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका लेंथ कितना होगा. हम लोग तो पहले जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ एरो होता है. और यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. ठीक है, इसका मतलब इसका लेंथ क्या होगा, 1 होगा. ठीक है ना, इसका लेंथ होगा हमें 1. ओके, और आपको थोड़ा बहुत कंपोनेंट का आपको नॉलेज होगा, कंपोनेंट निकालने का. अगर इधर की तरफ आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जस्ट इसके बाद वाला लेक्चर होगा. ठीक है, तो आप सिर्फ अगर यूनिट वेक्टर देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं इसमें तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, अगर इस सीरीज को आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ. ठीक है ना, हालांकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे कंप्लीट पीएचडी जस्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर है. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली जनरल यूनिट वेक्टर लिखने के लिए थोड़ा सा हमको जरूरत पड़ता है. ठीक है, इस कंपोनेंट का. देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ए वेक्टर है. तो आप देखे होंगे कि इधर की तरफ कंपोनेंट इसका क्या होता है जी, ए कॉस थीटा होता है और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होता है, ए साइन थीटा होता है. एक इधर की तरफ ए कॉस थीटा और इधर की तरफ ए साइन थीटा. इसी वेक्टर को हम लोग इसको हटा सकते हैं और इस वेक्टर के बदले हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है ना, हम लोग कहते हैं कि इस वेक्टर को हमने तोड़ दिया कंपोनेंट में, इधर तरफ ए कॉस थीटा और इधर तरफ ए साइन थीटा. ठीक है ना, सिंपल हम लोग जानते हैं कि जिसके साथ थीटा बनाता है उधर तरफ कॉस थीटा और जिससे थीटा नहीं बनाता उसके तरफ क्या होता है जी, साइन थीटा होता है. तो इस वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा. बताओ ये ए कॉस थीटा किधर की तरफ है जी, एक्स की तरफ है ना, ए कॉस थीटा एक्स की तरफ है. तो ए कॉस थीटा आई कैप लिख दिया और ये ए साइन थीटा किसके तरफ है, वाई की तरफ है. तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस ए साइन थीटा जे कैप, जे की तरफ. ठीक है ना, वाई को हम लोग जे बोलते हैं. तो किसी वेक्टर को हम लोग तोड़ के इस तरह से फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर किधर की तरफ है, लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, जस्ट ये पता है कि किस कैसे है, किधर की तरफ है, उसका डायरेक्शन क्या है, तो थीटा है. ठीक है ना, तो मैंने क्या किया ना कि जब ये 1 है तो इधर की तरफ क्या होगा, 1 कॉस थीटा होगा और इधर की तरफ क्या होगा, 1 साइन थीटा होगा. इधर तरफ 1 साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है ना, तो सोचो जैसे हमने उसमें आई के साथ लिखा, जे के साथ लिखा, तो इसमें अगर यूनिट वेक्टर को लिखना चाहूँ, मैंने यूनिट वेक्टर को यू से डिनोट किया यहाँ पे. ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है. ठीक है, तो हमने लिख दिया क्या, 1 कॉस थीटा आई कैप प्लस 1 साइन थीटा जे कैप. अब देखो ये बहुत ही मस्त चीज़ है, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का. ऐसा नहीं बोला मैंने कि किसी पार्टिकुलर वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर आपको लिखना है तो आप ये लिख दीजिए, cos थीटा i + sin थीटा j.
जस्ट आपको इसमें क्या निकालना है, थीटा, कि वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्ट मैं लिखूंगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। जब डायरेक्ट लिख दूंगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जी वर्ड यूनिट। अगर मैंने बोला कोई वेक्टर है 60 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो बताओ यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है ना, आई कैप जे कैप के टर्म में। तो मैं क्या लिख दूंगा, कॉस 60 आई प्लस साइन थीटा जे, ठीक है ना, कॉस 60 आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या हो जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मैंने बोला कि कोई वेक्टर है 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, ठीक है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। सिंपल, अगर आपको सिर्फ पता चल गया कि थीटा बना रहा है तो आप ये यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है और वो वेक्टर इसके साथ ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है जी 37 डिग्री, कोई ए वेक्टर है और ये क्या बना रहा है 37 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ, ठीक है ना। तो मैं अब ए वेक्टर में पता नहीं कौन है, ठीक है ना, तो हम इसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट इसका यूनिट वेक्टर लिख दूंगा, ए कैप इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, तो क्या लिख दूंगा, कॉस 37 आई कैप प्लस साइन 37 जे कैप, बस हो गया यूनिट वेक्टर। किसी भी क्वांटिटी की हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग जैसे यूनिट वेक्टर निकालते तो कैसे निकालते थे, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए करते थे ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, ए वेक्टर चाहिए कंप्लीट आई जे के में, और उसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसका थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए आई कैप जे कैप के कैप ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। अगर हमें पता चल गया कि ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है तो डायरेक्ट हम ए कैप लिख देंगे कॉस थीटा कॉस 37 आई प्लस साइन 37, इसके लिए हो गया खत्म, खड़ा है। अगर आप इसको थोड़ा चेक करते करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो कॉस 37 का वैल्यू क्या होगा, 4 बाई 5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, ये ए कैप का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड जो होगा निकाल लो, अभी तो निकाला था 4 स्क्वायर मतलब 16/5 प्लस कितना 9/25 तो कितना हो गया 25/25 रूट में, तो क्या हो गया ये 1 हो गया खत्म। अभी समझ ना, तो इसका मतलब ये क्या यूनिट वेक्टर है। मैंने आपको बताया कि कोई भी वेक्टर हो अगर हमें पता चल गया कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं तो डायरेक्ट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे विल बी यूनिट वेक्टर, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज व्हाट जनरल यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अलग अलग टाइप का हमें वेक्टर पढ़ना है इसमें, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम लोग को पता है पोजीशन क्या होता है जी। अगर आप मान लो कि हमें बताना है कि पोजीशन अपना बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा, अपना एड्रेस बताऊंगा, है कि नहीं, रामलाल चौराहे पे मैं खड़ा हूँ, दैट इज व्हाट माय पोजीशन, रामलाल चौराहे पे हम खड़े हैं, तो क्या कहलाएगा वो, पोजीशन कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें तो हम लोग रामलाल चौराहे तो नहीं लिखेंगे ना, ठीक है ना। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये क्या होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो इसमें लोग पोजीशन, अगर मान लो ये पॉइंट है कोई, आप इस पॉइंट पर खड़े हो तो आप क्या बताओगे, कि आप बोलोगे कि हम एक्स में और वाई में कितना गए हैं, है कि नहीं। तो एक्स में आप गए हो मान लो 4 और वाई में गए हो 3, तो बोलोगे हम कहाँ पे खड़े हैं जी, तो 4.3 पे खड़े हैं, है ना, 4.3 पे खड़े हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये पोजीशन कहलाएगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट पोजीशन कहलाएगा, कि हम वहाँ पे खड़े हैं, दैट इज व्हाट योर पोजीशन, ठीक है ना। अब पोजीशन है तो हम इसमें एक चीज़ है ना, 4 मीटर 3 मीटर, है ना, 4 मीटर अलोंग एक्स गए हैं, 3 मीटर अलोंग वाई गए हैं, तो वहाँ पे चले गए हैं। तो बात आएगी ना, कहाँ से गए हैं 4 मीटर 3 मीटर, है ना, तो कहाँ से गए हैं जी, हम लोग ओरिजिन से गए हैं। मतलब पोजीशन बताने के लिए एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में अपना डिस्टेंस बता रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ तो किसी से, अगर आप पूछते हो कहाँ हो भाई, भाई मैं तो हूँ 2 किलोमीटर दूरी पर, क्या आपको पता कर लेगा आपका पोजीशन कहाँ पर है, नहीं पता कर पाएगा। कहाँ पर हो आप, तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि रामलाल चौराहे से 2 किलोमीटर दूरी पे हैं, तब उसको पता चला अच्छा तो वहाँ पे है, रामलाल चौराहे से 2 किलोमीटर दूरी पे है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये कि आपको
एक रेफरेंस बताना पड़ेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हो, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ना, मैं बोलो मैं ये बोल रहा है पॉइंट कि मैं कहाँ पे हूँ, 4.3 पे हूँ ओरिजिन से, ठीक है ना। मतलब ओरिजिन से 4 मीटर जाओगे एक्स की तरफ और 3 मीटर जाओगे वाई की तरफ तो हमारे पोजिशन पर आप पहुँच जाओगे, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट पोजिशन, हम सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि पोजिशन इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। हमने मैथमेटिकल टूल में बहुत शिद्दत के साथ बताया है कि पोजिशन इज व्हाट, किसी भी पॉइंट का पोजिशन बताना है, किसी भी पार्टिकल का पोजिशन बताना है तो उस पॉइंट का हम क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट बताते हैं, दैट इज व्हाट पोजिशन, ठीक है ना। लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है, पोजिशन वेक्टर पढ़ना है, ठीक है ना। पोजिशन वेक्टर पढ़ना है तो मैं आपको पोजिशन वेक्टर डिफाइन करता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस और पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है ना। डेफिनेटली हमें ओरिजिन चाहिए। ओरिजिन का एक और मतलब क्या होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। और सिंपल भाषा में बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि ऑब्जर्वर का घर क्या होता है, ओरिजिन होता है। ऑब्जर्वर का घर क्या होता है, ओरिजिन होता है, जहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, क्या कहलाता है, ओरिजिन होता है। खैर हमें तो पोजिशन वेक्टर सीखना और आपको ओरिजिन का नॉलेज है, सिंपल नॉलेज चाहिए ओरिजिन के लिए, ज़्यादा कुछ बकवास नहीं है, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे हो एक्स कॉमा वाई पे, आपका पॉइंट कहाँ पे, एक्स कॉमा वाई पे, ठीक है ना, पॉइंट पी। मैं निकालना चाहता हूँ इस पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस डायरेक्ट क्या करना है, मैं ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन कर देना है और ये जो वेक्टर मिलेगा ना, दिस वेक्टर विल डिफाइन पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड द पोजिशन वेक्टर इज डिनोटेड बाई आर वेक्टर। अरे सिंपल सिंपल भाषा, पोजिशन वेक्टर क्या कहलाता है, किसी पॉइंट का तो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करा तो वो क्या कहलाएगा, पोजिशन वेक्टर कहलाएगा। और पोजिशन वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, तो कैसे डिनोट करते हैं बताइए आप, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब पोजिशन वेक्टर को लिखते कैसे हैं, तो सोचिए ये एक्स में कितना गया है, एक्स गया है। अब एक्स को किसके साथ लिखूँ, एक्स किधर की तरफ है, एक्स की तरफ है मतलब आई कैप, तो मैंने लिख दिया एक्स आई कैप और वाई क्या लिख दूंगा, जे कैप लिख दूंगा। सो दिस इज व्हाट पोजिशन वेक्टर, दिस इज व्हाट पोजिशन वेक्टर। अगर आपको पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करना है किसी पॉइंट का तो उस पॉइंट को ओरिजिन से डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे, और पोजिशन वेक्टर अब लिखना है आपको तो आप क्या करना है, आपको डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट को आई के साथ और वाई कोऑर्डिनेट को जे के साथ, दैट्स ऑल पोजिशन वेक्टर, खत्म। अच्छा अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो रामलाल चौराहे से कितने दूरी पे था, मतलब ये दूरी बताना चाहता हूँ, ये लंबाई बताना चाहता हूँ, इस एरो का लंबाई। और एरो का लंबाई बताने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड बताना, मतलब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, फिजिक्स की भाषा में। और अपने देसी भाषा में तो हम एरो का लंबाई निकालने जा रहे हैं, लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो अब देखो लंबाई निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0.0 है। मैं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलूंगा ना तो शायद आपको थोड़ा सदमा लगेगा, लेकिन मैं बोलूंगा बताओ तो लेंथ ऑफ एरो क्या है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है। तो आप दूरी फॉर्मूला जानते हो ना, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला तो जानते हो ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये दूरी निकाल सकते हैं हम लोग, कितना होगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है ना, तो देखो तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया मेरे बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। अब ये तो इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं मेरे बाबू, आर वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड डाल देंगे, मॉडुलस डाल देंगे, मेरी बात समझ ना। कोई पॉइंट पोजिशन वेक्टर लिखना है, ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, लिखने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट को आई के साथ, वाई कोऑर्डिनेट को जे के साथ, और उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीधे सीधी आई का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अभी तो हमने डिस्कस किया ना, अभी जस्ट लिखा था ना कि ए वेक्टर एक्स एक्स आई वाई जे, मैंने बोला था यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे चमकेगा कि हमने क्यों निकाला। देखो तो दूरी निकालते हैं हम लोग, दूरी कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये जीरो जीरो था, ये एक्स वाई था, तो दूरी निकाल लिया हमने, ये हो गया, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे एक और आती है कि क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर, क्या होगा आर कैप, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, मतलब इसका डायरेक्शन अगर निकालना है तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर भी हम लोग निकाल सकते हैं आर कैप। आर कैप कैसे निकालेंगे बताइए, तो आर वेक्टर वही मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर वेक्टर हमारे पास कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आर कैप इज व्हाट, एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। दिस इज व्हाट पोजिशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर, टाइम पास लिख सकते हो, बस लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना।
तो किसी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर निकाल सकते हो ना। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, कर सकते हो आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, 3.4, 3.4 पे कोई पार्टिकल है, इसका पोजिशन वेक्टर हमें शो करना है, दिखाना है, दिखा दो, अरे दिखा दो, दिस व्हाट पोजिशन वेक्टर, बस ओरिजिन से पॉइंट तक, दैट इज व्हाट पोजिशन वेक्टर। और पोजिशन वेक्टर का लिखना है तो क्या करना है, आई को सॉरी एक्स का कोऑर्डिनेट आई के साथ और वाई का कोऑर्डिनेट जे के साथ, हो गया खत्म, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट 3² + 4² 9 + 16 क्या हो गया, 5 हो गया ना, ठीक है, आर मैग्नीट्यूड 5 हो गया। इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, मतलब आर कैप लिखना है, तो आप लिख दोगे क्या, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो हम लोग पोजिशन वेक्टर में क्या क्या निकाले मेरे बाबू, तो पोजिशन वेक्टर को हमने ड्रॉ किया, फिर पोजिशन वेक्टर का ये लिखा, पोजिशन वेक्टर को एक्सप्रेस किया, फिर पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर पोजिशन वेक्टर का यूनिट निकाला, सॉरी पोजिशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला, तो हम लोग सब कुछ निकाल लिए, ठीक है ना। अब बात ऐसा है कि हमारे पास ये 2D में ही पोजिशन वेक्टर था, अगर आपको 3D में लिखना है तो क्या दिक्कत है यार, किसी कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कोई कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है ना, इधर जेड एक्सिस भी होगा, ठीक है, तो हो गया बस। आर वेक्टर क्या लिखोगे बताओ, पोजिशन वेक्टर के, पोजिशन वेक्टर मैंने कैसे बोला, तो ओरिजिन से पॉइंट को ड्रॉ कर देना है, तो ओरिजिन से मैंने पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, दिस इज व्हाट आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, खत्म, अरे ठीक है ना। तो बोलो अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, तो सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड। फिर सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे सब कुछ, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी पॉइंट अगर 1 1 1 दिया हो तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या आ जाएगा, 1i + 1j + 1k, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2√1² + 1² + 1², तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है यार। तो ये रहा आपका पोजिशन वेक्टर, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट जान लेते हैं, जैसे हमने पोजिशन वेक्टर जाना तो उसके पहले पोजिशन समझा, पोजिशन इज वॉट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पहले हमें जानना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आप यही देखते हो, डेल्टा एक्स इज x2 - x1 मीन्स फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन इज वॉट डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात को समझना, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन इज वॉट डिस्प्लेसमेंट। अब हमें लिखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, क्या फाइनल पोजिशन होगा कि फाइनल पोजिशन वेक्टर होगा, क्या होगा जी, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, अब वेक्टर लग गया तो सब वेक्टर लगा देना, डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर लग गया तो फाइनल पोजीशन के बाद वेक्टर लगा दो, इनिशियल पोजीशन के बाद वेक्टर लगा दो, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम लोग डेल्टा आर से दिखाते हैं तो पोजीशन वेक्टर को आर से दिखाते हैं ना जी, तो फाइनल पोजिशन वेक्टर क्या होगा मेरे बाबू, R2 होगा माइनस R1 वेक्टर। ये क्या है बताइए, दिस इज व्हाट पोजिशन वेक्टर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना। ये क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 - R1। अब देखिए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके जीवन में दो पॉइंट होगा। अरे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, दो पॉइंट होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए होगे आप, ठीक है ना। तो दो पॉइंट होगा इसका मतलब दोनों पॉइंट का दो पोजिशन वेक्टर भी होगा, ठीक है ना। तो मान लो आप यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, x1, y1 पे, और आप यहाँ पे आ गए, कहाँ पे, x2, y2 पे आ गए, ठीक है, x2, y2 पे आ गए। तो ये पहला पॉइंट है, तो इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा मेरे बाबू, पोजिशन वेक्टर, सो दिस इज व्हाट पोजिशन वेक्टर इनिशियल, जब थे आप यहाँ पे, ठीक है ना, P1 पॉइंट दे दो इसको, ठीक है ना, और आप पहुँच गए यहाँ पे, दिस इज व्हाट सेकंड फाइनल पोजिशन वेक्टर, ठीक है ना, ये P2 पॉइंट है, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिखाया था पैरेललोग्राम मेथड से, कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ठीक है ना,
और आपको अगर ए माइनस बी दिखाना है तो जिसको माइनस करते हैं ना वहाँ से ड्रॉ करते हैं, जिस किसको माइनस करना है इसमें हम लोगों को बी को करना है, तो बी से ड्रॉ करेंगे ए तक, ठीक है ना। अगर मान लो हमें निकाला रहता बी माइनस ए, तो माइनस किसको करना है जी, ए को, तो हम लोग क्या दिखाते, ए से बी दिखाते, ओके। मतलब जब भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना रहे, ठीक है, तो हमें यह देखना है कि टेल टेल टुगेदर होना चाहिए दोनों वेक्टर का, दोनों वेक्टर का टेल टेल टुगेदर है, उसके बाद क्या देखना है कि किसको माइनस करना है, जिसको माइनस करना है वहीं से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है ना। इसमें अब देखिए, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, एक तरह से दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है कि नहीं, बताओ ये क्या है, बताइए। सो दिस इज व्हाट, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, कौन कौन सा, आर टू वेक्टर और आर वन वेक्टर। तो देखते हैं आर टू वेक्टर और आर वन वेक्टर एक साथ उनका टेल है कि नहीं, है कि नहीं। तो देखिए, तो ये आर वन वेक्टर है और ये आर टू वेक्टर है, दोनों का टेल इस ओरिजिन पे है, बहुत मजा आ गया भाई साहब, एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और जब टेल टेल एक साथ है तो हमें तो क्या निकालना है, डेल्टा आर निकालना है, दैट इज आर टू माइनस आर वन निकालना है, ठीक है, आर टू माइनस आर वन निकालना है, ठीक है। तो बताओ माइनस किसको करना है, आर वन को करना है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, आर वन से स्टार्ट होंगे, बस आपका ध्यान क्या होना चाहिए, किसको माइनस करना है वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें माइनस करना आर वन को, तो आर वन से स्टार्ट हो, किस में से माइनस करना, आर टू में से, आर वन से आर टू चले जाएंगे। तो ये जो ब्लू लाइन है ये क्या कहलाएगा मेरे बाबू, आर टू माइनस आर वन वेक्टर, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा आर वेक्टर। समझ में आई बात, ये क्या कहलाएगा, आर टू माइनस आर वन वेक्टर कहलाएगा, मतलब डेल्टा आर वेक्टर कहलाएगा, और अपने भाषा में क्या कहलाएगा जी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, क्या हम आर वन वेक्टर लिख सकते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोजिशन वेक्टर हमने ड्रॉ करना सीखा, फिर उसको लिखना सीखा, मतलब आई कैप जे कैप में, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर यूनिट वेक्टर निकाला, वैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमने ड्रॉ करना सीख गए, ठीक है ना। शुरू में टेल टेल लेना है, फिर इनिशियल टू फाइनल मिला देना है ना, सिंपल बात कह सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, उसके बाद हमें लिखने सीखना है। तो ऐसा करते हैं ना, आर वन लिख लेते हैं, आर वन मैंने लिखने आपको सिखा दिया, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे, ओके। व्हाट इज आर टू वेक्टर मेरे बाबू, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे, तो डेल्टा आर, आर टू माइनस आर वन, दैट इज एक्स टू आई प्लस वाई टू जे माइनस एक्स वन आई प्लस वाई वन जे, तो डेल्टा आर वेक्टर हम लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। 2D में कर रहे, 3D में रहता तो एक्स वन वाई वन जेड वन होता, एक्स टू वाई टू जेड टू होता, और यहाँ भी जेड वन आता, यहाँ पे जेड टू आता, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई होता है, वाई टू माइनस वाई वन जे होता, और जेड टू माइनस जेड वन के कैप होता, ठीक है ना। अब देखो, तो अब आपको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ ऑफ एरो क्या है, इसका लेंथ निकालना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है। अब जैसे ही मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड, आपका दिमाग सदमे में, जैसे ही मैं बोलूँगा दूरी निकालो, मतलब लेंथ ऑफ एरो निकालो, तो तुरंत ओ यार ये तो पढ़ा है यार, ये तो पढ़ा है, क्या है ये, शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है। अब किस तरह से अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हो, है कि नहीं, किसी किसी चीज़ को हम लोग इतना हाई फाई बना देते हैं कि हाई फाई नहीं रहते हुए हाई फाई बन जाता है कि नहीं। तो शब्दों का खेल है, दूरी निकालिए दोनों के बीच का, दोनों पॉइंट के बीच का, इसका लंबाई निकालिए, अरे मैग्नीट्यूड क्या है यार, इसका लंबाई निकालो, तो कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लीजिए, देखो मैं इसका दूरी निकाल रहा हूँ, आप समझना ध्यान से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, अगर जेड वन जेड टू होता तो क्या लिखते, जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कोई भी वेक्टर कॉन्सेप्ट लगाया है क्या, नहीं लगाया, सिर्फ क्या लगाया, ज्योमेट्री लगाया है। और आप शुरू से लेक्चर से देख रहे हैं कि जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने बनाए हैं, जितने भी आपने लेक्चर्स हमारे देखे हैं, सारे हम विदाउट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, हम सारे क्वेश्चंस कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे, ज्योमेट्री से, ठीक है ना। ज्योमेट्री से करोगे फील आएगा, जल्दी बनेगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला कि दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर, मतलब इसका डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। वैसे मैग्नीट्यूड निकालने आपको कैसे सिखाया है, आई का कोफिशियंट के स्क्वायर प्लस जे का कोफिशियंट के स्क्वायर, रूट के अंदर लेना है, प्लस के का कोफिशियंट के स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा आर वेक्टर क्या है यहाँ पे,
ठीक है ना। अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या लिखोगे, आई का कोफिशियंट का स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस जे का कोफिशियंट का स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, सबको रूट में लेंगे, क्या यही आएगा? अरे यार सब मोह माया है, बात ही समझे ना। मैंने ज्योमेट्री लगाया, मैंने क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, अगर आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला निकालते कॉन्सेप्ट तो वही आता, क्या करना था? अब बोलोगे सर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, तो निकाल सकते, क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है और यहाँ पे क्या पता है हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो चलो आत्मा की शांति के लिए हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप डिवाइडेड बाई ये वाला हो गया। आप इसके नीचे कर लो इसको, फिर इसके नीचे इसको कर लो, हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है ना। लिखते रहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर 3D में रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा आएगा, तो R1 कितना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर, तो क्या लिख देते हैं हम लोग, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते तो आपका आता है एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर, ये इसका हो गया, ठीक है ना, इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा लेके हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल था वो 3.4 पे था इस पॉइंट पे, और पहुंच गया इस पॉइंट पे, कितने पे जी, 6.8 पे पहुंच गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप शो कर दीजिए, ये R1 पोजीशन वेक्टर है और ये R2 फाइनल पोजीशन वेक्टर है, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया अपना, अब लिख सकते हो आप, है ना। चलो लिख लो R1 वेक्टर क्या होगा, हालांकि इतना ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है ना तो भी आप के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है ना। सो Δr वेक्टर क्या होगा, दिस पोजिशन वेक्टर, आपको कोई बोलता बताओ अगर ऐसा देता कि कोई पार्टिकल 3.4 पे था 6.8 पे चला गया, तो बताओ उसका इनिशियल पोजिशन वेक्टर क्या है, फाइनल पोजिशन वेक्टर क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो दिस इज इनिशियल पोजिशन वेक्टर, दिस इज फाइनल पोजिशन वेक्टर, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी R2 माइनस R1 मीन्स 6i माइनस 3i, कितना आया, 3i आया, और 8 माइनस 4 कितना हुआ, 4j हुआ संयोग से, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना। ये कैसे आया, R2 माइनस R1 करने से आया, ठीक है। अब कोई बोला कि बताओ तो Δr वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, कितना आया, ये 5 आया, मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी, 5 होगी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, 5 होगा। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 2.3 5.6, ठीक है। कोई पार्टिकल यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया, प्लीज़ आप निकालिए कि ये P1 पॉइंट से पार्टिकल P2 पॉइंट पे चला गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, पॉज करिए निकालिए फिर आंसर मैच करिए, ओके। देखिए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज दिस वन, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज दिस वन, ठीक है। सो दिस इज R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R1 वेक्टर क्या लिख सकते हैं मेरे बाबू, तो 2y प्लस 3j लिख सकते हैं ना, और R2 वेक्टर क्या लिख सकते हैं जी, तो 5y प्लस 6j लिख सकते हैं, ठीक है। तो Δr वेक्टर क्या होगा, तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3i हुआ, ठीक है ना, प्लस 6 माइनस 3 कितना हुआ, 3j होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया, तो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर 9, 3a स्क्वायर 9 मतलब 3√2, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस का बात करें तो मान लो कि एक हमारे पास क्या मिला, एक R वेक्टर मिला मतलब पोजीशन वेक्टर मिला, एक Δr वेक्टर मिला मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, ठीक है ना। अब बताइए कि R वेक्टर ओरिजिन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, R वेक्टर ओरिजिन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो डेफिनेटली करेगा, ठीक है ना।
ओरिजिन पे डिपेंड डेफिनेटली करेगा। जैसे मान लो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इनिशियल जो पोजिशन वेक्टर है ये वाला है, ठीक है, दिस इज आर वन, और फाइनल पोजिशन वेक्टर ये क्या है, आर टू वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओरिजिन था इसका, तो ये आया। अगर मान लो मैंने ओरिजिन यहाँ पे ले लिया, मैंने ओरिजिन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जब यहाँ पे आप ओरिजिन लोगे तो इस बार तो इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ये होगा पोजिशन वेक्टर, दिस इज व्हाट, आर वन डैश बोल दो, ठीक है ना। और इसके लिए ये वाला होगा, ये क्या कहलाएगा, आर टू डैश होगा। मेरी बात समझ आई क्या? आप ओरिजिन चेंज कर दोगे तो उस, देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2.3 है तभी जब यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन तो अगर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम अपना घर चेंज कर दें, मान लो हम कोचिंग जाते हैं 10 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि हमारा कोचिंग का दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब हमारा हमारा घर क्या है, ओरिजिन है हमारा, अब घर ही चेंज हो गया हमारा, तो क्या 10 ही किलोमीटर दूरी रह जाएगा क्या, हमारा पोजीशन 10 किलोमीटर ही रह जाएगा क्या, नहीं, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारा घर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना, तो ओरिजिन चेंज कर दिया तो पोजीशन चेंज हो गया, मतलब पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। अच्छा, पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था जी, यही था, और अभी भी इनका हेड क्या है, आर वन और आर टू का हेड यहीं पे है, तो ये ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यहीं का यही रह गया जब ओरिजिन ये था या फिर ये था, लेकिन पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। तो हम कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओरिजिन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लिखिए अच्छे से। तो और एक स्पेशल एक वेक्टर है, उसको बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर। देखो तो नल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, नल वेक्टर का मतलब होता है जीरो वेक्टर, इसको दूसरा नाम क्या होता है जी, जीरो वेक्टर भी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, जीरो वेक्टर। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट, नल वेक्टर, मतलब वेक्टर है ही नहीं, वेक्टर है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नल वेक्टर बोलेंगे। अब देख रहे हो ना, मतलब वेक्टर है ही नहीं, उसका भी एक टर्म दे रहे हैं हम लोग नल वेक्टर, उसको क्या दे रहे हैं हम लोग, जीरो वेक्टर। देखो एक जीरो बहुत ही स्पेशल चीज़ है, जीरो एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ठीक है ना। जीरो आपको सहायता करता है पॉजिटिव बातें करने में, अगर आप नेगेटिव बातें नहीं करना चाहते हो तो आप जीरो का हेल्प ले सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास एक भी रुपये नहीं है, हम भिखारी हैं, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास पैसे हैं कितना है भाई साहब, जीरो है, मतलब हैं लेकिन कितना है, जीरो है, आई वैसे में ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम चाहते हैं कहना पॉजिटिव बात, हम चाहते हैं कहना कि है लेकिन कितना है, जीरो है, समझ जाओ अब क्या है, आई वैसे में ना। तो इस वैसा यहाँ भी है, नल वेक्टर मतलब वेक्टर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम जबरदस्ती क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर नल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है जी, नल वेक्टर, इसका मतलब क्या, वहाँ पर कोई वेक्टर ही नहीं है, ठीक है ना, जीरो वेक्टर है। अब देखो वेक्टर है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें लेंथ ही नहीं होगा, उसमें कुछ भी मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा। अब मैग्नीट्यूड नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ एरो नहीं होगा। तो एक एक क्या होता है, टेल होता है, और एक क्या कहलाता है, हेड होता है। तो नल वेक्टर कैसा बनेगा, एक पॉइंट होगा जिसके पास कोई लेंथ नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि टेल और हेड क्या होगा, एक ही पॉइंट पर होगा। तो हम कह सकते हैं कि नल वेक्टर का टेल और हेड क्या होता है, सेम पॉइंट पर होता है। नल वेक्टर का टेल और हेड क्या होता है, सेम पॉइंट पर होता है। अच्छा, नल वेक्टर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नल वेक्टर हमें कैसे मिलेगा। तो जैसे मान लो आपके पास कोई ये कोई वेक्टर है 5 न्यूटन का, ठीक है ना, और मान लो ये एक्स की तरफ लग रहा है, तो क्या मैं इस फोर्स को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5i कैप, मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है ना, आई कैप मैंने बोला, ठीक है ना, 5i कैप द्वारा एक्स की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। और दूसरा एक फोर्स है वो इधर लग रहा है, ये भी 5 न्यूटन का ही है लेकिन अपोजिट टू एक्स लग रहा है, इस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, -5i कैप कह सकते हैं। अब दोनों का अब ऐड करो, तो दोनों का आप ऐड करोगे तो एफनेट क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, ठीक है ना, जीरो आई कैप मैं कह दूंगा। तो ये क्या मिला आपको, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नल वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे, जिसमें कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है। अच्छा, मैग्नीट्यूड नहीं तो डायरेक्शन का भी कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, ये क्या है, अल्टीमेटली ये तो जीरो ही है ना। तो कहने का मतलब ये कि नल वेक्टर हमें मिलेगा कैसे, तो दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नल वेक्टर मिल जाएगा। मतलब हमें
इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ऐसे वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, नल वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सोचो आप कि दो वेक्टर हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड का और दोनों को दोनों अपोजिट में, कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो दो वेक्टर हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड का, सेम डायरेक्शन भी है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कभी भी नल वेक्टर मिलेगा यहाँ पे? कभी नहीं मिलेगा। यहाँ भी ऐड करेंगे तो कभी भी नल वेक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा। जीरो होगा क्या इसका एडिशन? कभी नहीं होगा। कहते हैं हम लोग कि दो अनिक्वल वेक्टर को ऐड करने से नल वेक्टर कभी भी नहीं मिलेगा। दो अनिक्वल वेक्टर को ऐड करने से नल वेक्टर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि तीन वेक्टर जो कोप्लेनर हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे तो जीरो वेक्टर मिल सकता है। कैसे? लेकिन क्लोज ट्रायंगल इसको बनाना चाहिए। कोप्लेनर का मतलब जानते हो आप? कोप्लेनर मतलब ये होता है कि वेक्टर्स क्या है, एक ही प्लेन में लाई करें, मतलब एक प्लेन में हम उसको ड्रॉ कर पाएँ, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊँगा, मिटा दो इसको। थ्री वेक्टर्स विच आर कोप्लेनर कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट इफ दे आर मेकिंग क्लोज ट्राइंगल। देखो ये वेक्टर हुआ, एक ये वेक्टर हुआ, एक ये वेक्टर हुआ, दूसरा ऐसे हो गया। तो देखो क्लोज ट्राइंगल बनाया ना। अब क्लोज ट्राइंगल अगर बना रहा है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये कोप्लेनर ही होगा। अगर तीन ही वेक्टर हमारे पास है और क्लोज ट्राइंगल बना रहा है तो डेफिनेटली कोप्लेनर ही होगा। अगर इसको दूसरे प्लेन में लेके जाएंगे, ये कौन सा प्लेन में आ गया? इस प्लेन में आ गया, इस प्लेन में आ गया, और इसको मैंने ऐसे लेके चला गया, तो ये कोप्लेनर कहलाएगा क्या? कभी नहीं कहलाएगा। तो क्या ये तीन वेक्टर हैं और नॉन कोप्लेनर है? कोप्लेनर है, कभी भी क्लोज ट्रायंगल बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीन वेक्टर होंगे नॉन कोप्लेनर होंगे ना, तो उनसे तो कभी भी आपको नल वेक्टर मिलेगा नहीं। नल वेक्टर का मतलब क्या? जीरो रिजल्टेंट, है ना। जीरो रिजल्टेंट तो कभी भी मिलना ही नहीं है। ये जब भी क्लोज बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, जब भी ऐसा बनाएगा तो एक ही प्लेन में आ जाएगा। तो इन तीनों को हम इस बोर्ड में लिख सकते हैं कि नहीं? तीनों एक प्लेन में आ सकते हैं ना, ऐसे आ सकते हैं ना, ठीक है ना। आई बात समझे ना? तो तीनों को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तीन लाइन एक प्लेन में आएगा, तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो देखो, तो एक वेक्टर, पहला वेक्टर का टेल यहाँ पे है, फिर हेड, फिर ये वाला हेड हुआ, ठीक है ना, और फिर तीसरा वेक्टर टेल यहाँ पे, फिर ये हेड, ठीक है ना। तो देखो, तो हम लोग पॉलीगन लॉ में क्या करते हैं? हम लोग पॉलीगन लॉ में ऐसे करते हैं ना, तो ये बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है ना, पहले वाले का टेल से लास्ट वाले का हेड तक। तो इसमें देखो, तो पहले वाले का टेल क्या है? यहीं पे है, और लास्ट वाले का हेड भी यहीं पे है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो लेंथ कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? नल वेक्टर मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। आई बात समझ में ना? तो तीन वेक्टर कोप्लेनर होगा और क्लोज ट्रायंगल बना रहा है तो डेफिनेटली वो जीरो वेक्टर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। लेकिन तीन वेक्टर है, कोप्लेनर ही है, लेकिन क्लोज ट्रायंगल नहीं बना रहा, ऐसे हो रहा है, चाहे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है ना, लेकिन क्या ये क्लोज ट्रायंगल बना रहा है? नहीं बना रहा है, ठीक है ना। तो ये जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। आई बात समझ में ना? अच्छा, अगर नॉन कोप्लेनर की बात करें अगर हम लोग, देखो तो इसमें तो नॉन कोप्लेनर अगर तीन कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो क्या ये क्लोज ट्रायंगल बना रहा है? नहीं बना रहा है। तीन वेक्टर तो कभी भी क्लोज ट्रायंगल बनाएगा नहीं, और दो, जब तीन नहीं बना रहा है तो दो तो कभी नहीं बनाएगा, दो तो खैर क्लोज पाथ बना ही नहीं सकता, जब भी बनाएगा ऐसा ही बनाएगा, है ना। तो अगर हम लोग नॉन कोप्लेनर की बात करें तो वो हम बताना चाहते हैं कि मिनिमम कितना वेक्टर चाहिए जो नल वेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दो हुआ, एक तीसरा ऐसे हुआ, आप देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है ना। अगर एक और वेक्टर होता जो इसके पॉइंट को इस यहाँ से यहाँ तक चला जाता, देखो पहला का टेल यहाँ पे है, फिर इसका हेड, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है, उसके बाद ये हेड है और उसके बाद यहाँ पे हेड है, ठीक है ना। तो ये पहला का टेल से लास्ट वाले के हेड तक एक रहता है वेक्टर ऐसे ना, ऐसे ऐसे होता अगर, ठीक है, तो क्या ये क्लोज ट्रायंगल बन जाता? देख रहे हो ना, मतलब ये पहला का हेड, फिर ये हेड, फिर ये हेड, और फिर यहाँ से एक वेक्टर, यहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता और यहाँ पे जाता, ऐसे जाता, तो लास्ट वाले वेक्टर का हेड यहाँ पे और पहले वाले वेक्टर का टेल भी यहीं पे, तो ये क्या क्लोज क्लोज पाथ बन जाता, क्लोज पॉलीगन बन जाता, हम कह सकते हैं इसके लिए, ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्लोज पॉलीगन कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो कम से कम कितना वेक्टर जरूरत पड़ा हमें? चार वेक्टर। अगर आपके पास नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो कम से कम कितने वेक्टर चाहिए आपको क्लोज पॉलीगन बनाने के लिए? तो चार वेक्टर चाहिए, एक दो तीन, और यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट पे जाने वाला एक और लाइन अगर हो जाए, एकदम ऐसे मत सीधे चला जाए, तो क्या बन जाएगा आपको? क्लोज बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि नॉन कोप्लेनर के लिए मिनिमम फोर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज पॉलीगन, एंड इफ दे आर मेकिंग क्लोज पॉलीगन लाइक दिस, ठीक है ना, मतलब लास्ट वाले के हेड पहले के टेल पे अगर जा रहा है तो दे कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, दे कैन प्रोड्यूस नल वेक्टर, ओके। और चार से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली बना ही लेगा, सेवरल वेक्टर्स बहुत सारे होंगे
तो अगर क्लोज पॉलीगन बना रहे हो तो डेफिनेटली नल वेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन आपको बता दिया कि लास्ट वाले का हेड पहले वाले का टेल एक पॉइंट पे होना चाहिए। देखो लास्ट वाले का हेड पहले वाले का टेल एक पॉइंट पे है तो नल वेक्टर ये बना रहा है, ठीक है ना। लिख लीजिए सारे पॉइंट्स। तो इस लेक्चर का हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना लिए होंगे। आप नोट्स बना लिए हैं उसका बार बार रिवीजन करते रहिए, रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते रहिए। और इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट है तो फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर इस पर अपना डाउट पोस्ट करिए। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।